I hope so you all are studying for your IFO exams. So ये जो सेशन हम रखते हैं एट सम रेगुलर इंटरवल्स, इसका मेन फोकस यही है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग प्लीज अभी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड जस्ट टू चेक इफ एवरीथिंग इज इन द राइट प्लेस और नॉट. सो आप लोग सब एक एक करके चैट बॉक्स पे अपने क्वेरीज को टाइप कर सकते हो, जो भी आपको लगता है आपको मेरे से पूछना है, सो दैट आई कैन आंसर देम वन बाय वन. एंड यस, अभी आपके एग्जाम में रफली 40 days का टाइम अभी भी बाकी है, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर दी IFOA September 24 एग्जाम्स. एंड अगर आपने अभी तक टाइपिंग नहीं चालू की है तो प्लीज आप लोग टाइपिंग चालू कर दीजिए, एंड आप लोग जो लोग का भी पेपर बी है वो लोग को पेपर बी पे थोड़ा ज्यादा करके फोकस करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरे को लगता है वो ये है कि हमने हमारे मॉक एग्जाम्स ओपन कर दिए हैं फॉर CM, CS एंड CB एग्जाम्स. तो उसमें बेसिकली देर आर 3 सेट्स, तो 3 में आपका मैक्सिमम 2 ही इवेल्युएट होगा, सो 2 पेपर ए और 2 पेपर बी, ठीक है. एंड डेडलाइंस हमने दे दी है, उसके बाद में हम लोग मीट नहीं कर पाएंगे आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा, बिकॉज डेडलाइन को हमको मीट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एंड सबको एक डिटेल्ड इवेल्युएशन देना, वही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ठीक है. सो यस, डेफिनेटली अगर टुवर्ड्स द एंड जाके हमको लगता है कि हाँ टाइम बच रहा है कर देना चाहिए, तो दैट्स अ समथिंग डिफरेंट थिंग. बट अभी के लिए इट्स लाइक कि जो पॉसिबल है वो ये है कि आपको डेडलाइन को मीट करना है और आपको मॉक एग्जाम्स देने हैं, और हमारा जो LMS है उसपे बहुत सारे MCQs हमने डाले हैं, तो वो MCQs आपको सॉल्व करने हैं. बिकॉज अब जितना MCQ सॉल्व करोगे उतना आपको मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, एंड आप जितना वीडियोस देखोगे उतना आपको क्लैरिटी आएगा. हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सेशंस चल रहे हैं, तो वो जो हमारे सेशंस है वो आप अटेंड करिए, उससे भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपकी नॉलेज में. बट जो हमारा मॉक का जो डेडलाइन है वो हमने हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी डाल दिया है, तो वो आपको प्लीज एडियर करना है. दैट्स द थिंग. और मॉक हमारा ओपन हो चुका है, आप मॉक देने के बाद जो गूगल फॉर्म है उसमें आप सबमिट कर दीजिए, एंड आई एस आपको एक डिटेल्ड इवेल्युएशन होके आपके मेल पे मिल जाएगा मॉक का. ओके, सो यस, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. सो एक एक करके मॉक्स कहाँ पर अवेलेबल है. मॉक्स आपको क्यू फोरम में मिलेगा, LMS में अंडर मॉक्स का टैब, उसमें देखेंगे 3 मॉक्स आपको मिल जाएंगे CM, CS, CB के. एंड जो CP और SP लेवल है वो वाले मॉक्स भी लाइव हो जाएंगे इन द नेक्स्ट 3 to 4 coming days. ओके यस सृष्टि, सर, मेरे को ये डाउट था कि जो आपका आवाज नहीं आ रहा सीएमसी, सृष्टि, एक मिनट होल्ड कीजिएगा. हाँ बोलिए. सर जो CS1 पेपर में GLM के बाद जो चैप्टर भेजिए सर, ना. आप के बैक क्वेश्चंस कराओगे सॉल्व क्लास में? हाँ, वो सिद्धार्थ सर को मैं बोल दूंगा, सिद्धार्थ सर करा देंगे, डोंट वरी. क्योंकि सर वो मैंने ट्राई किया था सॉल्व करने का, पर बहुत ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्व करने में। एक मिनट इसका. हाँ दोबारा बोलिए एक बार. सर वो ट्राई किया था सॉल्व करने का, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सॉल्व करने में। बोल दूंगा सर, एकदम अच्छे से स्लोली करा देंगे, ठीक है. मैं 11th of August तक थोड़ा ऑक्यूपाइड हूँ, उसके बाद से मैं लूंगा क्लासेस. सो सिद्धार्थ सर को मैं बोल दूंगा, वो एकदम अच्छे से करा देंगे. पैसे के भरोसे ओके सर। एंड सर जो हमारे क्वेश्चंस में इतने सारे कमेंट्स होते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में, तो मतलब समझ में नहीं आता कि कमेंट में लिखना क्या है, तो उसको ओके, देख कैसे इस हो? कमेंट को समझने का ऐसा है ना कि आप कोई भी पेपर आप कर रहे हो, चाहे वो CM का हो, चाहे वो CS का हो, चाहे वो हायर लेवल पेपर हो, आपको रीड करना पड़ेगा आंसर्स को. आप जितना आंसर्स को रीड करोगे ना आपको उतना क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है ना. तो आप आंसर्स जितना रीड करोगे आपको उतना बेटर रहेगा, मतलब आपके लिए. थैंक यू सर। ओके या एंड आप शायद होप सो आप रात वाला क्लास अटेंड कर रहे हो ना, हाँ सर। जो हम लोग जो रात में जो क्लासेस जो ले रहे हैं. सर जो रिकॉर्डिंग अपलोड होती है, नहीं मतलब यार वैसे तो नहीं होगा. आप रात के 9 बजे आप क्या काम कर रहे हो बताओ. अगर आप रात वाला क्लास नहीं कर रहे हो तो गलती किसकी है, आपको तो लाइव क्लास करना पड़ेगा ना. जब क्लास हो रहा है तो आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, फिर तो डाउट्स हम लोग कैसे लेंगे बताइए.
आज एक दिन में आपका लगातार अगर आप देखेंगे दो क्लास हो रहा है, एक बैच वन का हो रहा है, एक बैच टू का हो रहा है, तो वो तो कोई पर्पस के लिए ही हो रहा है, और आप अगर उसको मिस करोगे तो फिर उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सर उसका ऐसे रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग बेटा देखो सिलेक्टिव अपलोड होगा, सारा अपलोड नहीं होगा, बिकॉज एक ही टॉपिक के कितने सारे वीडियोस डालूंगा मैं। बट हाँ, आपको लाइव अपलोड, आपको लाइव क्लास करना है, और सारा का सारा जो शेड्यूल है वो आपको क्यू फोरम पे दिख जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग का डेली बेसिस में टाइम चेंज हो रहा है, वैसा तो कुछ नहीं है, बहुत स्टेबल टाइम है। 9 बजे, 9 बजे से चालू होता है, मतलब शाम के तरफ में ही होता है, ठीक है? तो मतलब आई थिंक आपको लाइव क्लास करना इज मोर बेटर देन रिलाइंग ऑन द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ओके थैंक ठीक है? यू। हाँ, और कोई एनी अदर डाउट, कोई अगर पूछना चाहेगा कोई भी टाइप का डाउट? हाँ बोलो। सर आई एम फ्रॉम सीएस बैच 2 एंड द सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड, सो मॉक पेपर्स फिर अभी तो उसमें तो पूरा आप जो सिलेबस लोग भी, होगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग भी CM1 बैच 2 एंड जो लोग भी CS1 बैच 2 से हैं, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप लोग का टुवर्ड्स द एंड जाके भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना? लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सिलेबस August 25th तक भी खत्म होता है, तो भी हम लोग वो चीज आप लोग का उसके बाद मॉक्स लेके आप लोग का चेक करके देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक जन ने कमेंट किया है कि CS1 बैच 2 में सिलेबस स्लो जा रहा है। मानवी बेटा देखिए, आप लोग का बैच लेट चालू हुआ है, आप लोग का बैच जुलाई मिड में चालू हुआ है, राइट? ठीक ढंग से, तो उसमें क्या है कि 2 महीने का देखिए लगभग टाइम लगता है, बट हम लोग कंसिस्टेंटली हर रोज क्लास लेके उसको करा रहे हैं। बट कोई चीज को समझने के लिए अगर 4 दिन का टाइम चाहिए, तो उसको तो मैं एक दिन में नहीं करा सकता ना, मैं ट्राई करके उसको 3 दिन में करा सकता हूँ। अभी जैसे सिद्धार्थ सर रेगुलरली क्लास ले रहे हैं, वीकेंड पे भी आपका क्लास हो रहा है, आपको अगर जल्दी करना है तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू आगे बढ़िए। बट एक बार अगर मान लीजिए मैं 100 बच्चों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तो मेरे को तो सबका नीड्स को केटर करना पड़ेगा। सिलेबस खत्म कराना अच्छे से, पेपर और पेपर भी, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, और मैं ऑलमोस्ट वो लाइव में कराऊंगा, रिकॉर्डेड पे मैं उतना रिलाई नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स एन ऑल इंग्लिश बैच। तो आपको भी थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट करके प्रोसेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड मॉक्स का आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जो भी मॉक्स का रिलेटेड आप लोग बोल रहे हैं वो पूरा हम लोग चेक करके आपको देंगे, आपको उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमको पता है कौन कौन से बच्चों ने बैच वन में एडमिशन, बैच टू में एडमिशन लिया, हमको पता है। ओके सर थैंक यू सर। लवराज कोहली, देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, मॉक्स क्या है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मॉक्स का क्या है ना, जैसे कि आप एक चीज समझो मेरा, कि मॉक्स में क्या होता है ना, कि आपका अगर सिलेबस 90% 80% भी कंप्लीट है ना, तो भी आप मॉक दो। जब तक आप मॉक नहीं दोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने पढ़ा है, सही पढ़ा है, गलत पढ़ा है, आपको कितना आता है। सो आप प्लीज मॉक्स का डेडलाइन को मीट करके आप मॉक्स दो, ताकि आपको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा और ये टॉपिक मेरा इतना अच्छे से ऐसे कंप्लीट है। तो मॉक्स देना बहुत जरूरी है, टुवर्ड्स द एंड तक जाके क्या होगा, अल्टीमेटली आप मॉक दे भी देंगे, मॉक में आपका अच्छा नंबर आ भी जाएगा, लेकिन आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे मॉक से, बात वो है, ठीक है? महक पुद्दार, सर आई हैव टेकन CB1 रिसेंटली एंड गिविंग फ्रॉम IEI एंड आई हैव नॉट बीन अटेंडिंग द लाइव क्लासेस एज आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद द सिलेबस। महक पुद्दार, इट इज नॉट ओके। CB1 का क्लास आप अंकित सर का कोई भी क्लास से क्लास में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर एकदम अच्छे से, बहुत शांत भाव से पढ़ाते हैं, तो आप कभी से भी ज्वाइन करेंगे ना CB1 का फिजिकल क्लास, लाइव क्लास, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जब भी से आपका क्यू फोरम पे नेक्स्ट क्लास होगा CB1 का, आपको तभी से ज्वाइन करना है, ठीक है? कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। MCQs for I वंशिक का बालिगा, yes definitely बेटा, IEI के students के लिए separate mock exams रहेंगे for paper A, क्योंकि वो MCQ format में होंगे, but paper B the mocks will remain the same, okay? Yes, next question. Hello sir, Mansoor. Yes. I am planning to give CS1 this attempt. ठीक है, आई हैव स्टडीड एवरीथिंग, आई हैवंट सीन द लेक्चर्स रिसेंटली, बट आई थिंक आई डिड टेल यू कि आई हैव सीन देम अ ईयर और 2 इयर्स अगो एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। बट वो जो टेस्ट का सीन है ना, वो कैसे करना है, लाइक चैप्टर वाइज करना है, पूरा पूरा करना है? देखो आपको, आपको सबसे पहले, आपने अगर एक्सटेंशन नहीं लिया तो सबसे पहले आप एक्सटेंशन ले लो, ठीक है? जब क्यू फोरम पे जाओगे ना, तो उसमें क्या है, आपको चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे, दैट इज द चैप्टर वाइज टेस्ट, और फुल मॉक मिलेगा, दैट इज द फुल मॉक टेस्ट। तो अभी जैसे आपके पास में जो टाइम है, आप उसमें क्या करो, आप चैप्टर वाइज भी करो और आप फुल मॉक्स भी दो, क्योंकि आप जितना ये सब प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, जितना फुल मॉक टेस्ट दोगे ना, उतना आपका कॉन्सेप्ट खुलता है। तो मेरे को ये लगता है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सर टाइप्ड पेपर कौन सा है, मतलब वो जो टाइप्ड वाला जो है वो फुल मॉक है, वो टाइप्ड एग्जाम है। यस,
यस मनसिमरन ओके सो सो दैट वुड नॉट बी चैप्टर वाइज बट इट वुड नहीं वो चैप्टर वाइज नहीं हो पाएगा नहीं फुल मॉक है हाँ हाँ वो तीन सेट है हमारे पास में तो एक आप सेल्फ पे इवैल्यूएट कर लेना दो आप सबमिशन के लिए डाल सकते हो ओके सर ठीक है ओके प्लीज सेंड मी द स्कैन कोड एंड एवरीथिंग आई थिंक आई डिड सेंड यू एक्चुअली मैं आपको नंबर दे देता हूँ आप उस पे एक्सटेंशन का प्रोसेस ले सकते हो ठीक है मैंने आपको नंबर चैट बॉक्स पे दे दिया है Yes, sir. Thank you. Next question is, sir, I have taken CM1 recently classes. So, sir, can you please guide me how to go about it further? Yes, Siddhant, पूरा guide करेंगे, don't worry. So, सबसे पहले Siddhant, आपको paper A का 20 lecture करना है, ठीक है? जब तक मेरा next AMA session होगा ना, क्योंकि आप अगर अभी recently लिए हो, तो definitely या तो आप November attempt plan कर रहे हो, या फिर आप अगला May या फिर April attempt plan कर रहे हो, ठीक है? तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले आप पहला पेपर ए का 20 लेक्चर करो क्योंकि जो नेक्स्ट एएमए सेशन मैं लूंगा 10-15 दिन बाद लूंगा तो बेसिकली आप सबसे पहले पेपर ए का 20 लेक्चर को अच्छे से करो और आप एक्सेल का बेसिक्स करो ठीक है आप इतना पहले करो सो एक लास्ट क्वेश्चन जो CS1 में लास्ट 3 चैप्टर्स है बेयजियन स्टैट्स एंड क्रेडिबिलिटी थ्योरी ये जो दो चैप्टर्स है ना आई एम फेसिंग इश्यूज मैं आपका वीडियो देखा था तभी बट मैं अभी नया वाला देखा है क्या नहीं 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 अभी वाला देखो अभी वाला बहुत स्लो तरीके से अच्छे तरीके से करा है अभी वाला देखो नया वाला देखो ओके एंड सर अगर कुछ भी होगा आप मेरे को देख लोगे ना कोई दिक्कत नहीं आप रात वाला क्लास अटेंड करो 9 बजे वाला क्लास आप अटेंड करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा डेली रात में 9 बजे क्लास हो रहा है आपको पूरा शेड्यूल LMS पे मिल जाएगा आप डेली रात में क्लास अटेंड करो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ठीक है सर ठीक है सर MCQ वाली क्लास के लिए थ्योरी कहाँ से करने बेटा थ्योरी बोल के तो कुछ भी नहीं होता है थ्योरी क्या होता है ऐश्वर्या यस सृष्टि आप इक्वेशन एडिटर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप नॉर्मल भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप कोई भी टाइप का चीज से आप बेसिकली टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो यस आयशा सो यू सेड दैट द मॉक 1 we have to submit by 10th August, right? And the paper B ka portion is not done yet in the classes. So, which curriculum? CS1. CS1 batch 1 or batch 2? Batch 1. But the paper B portion isn't done yet in batch 1 either. No. We have uploaded the recorded lectures of few last topics. So you cover them by recorded lectures and Siddharth sir is taking live classes as well. So you watch the recordings and you complete the syllabus by 10th and you give the mock. And okay. If there is any problem, then you can ask in the live class also. Okay, sir. Thank you. Okay. Yeah. Next is, sir, when will the registration for ASET exam start? ASET exam ke liye aapko 2 weeks ka time wait karna padega because abhi tak koi bhi announcement nahi aayi hai. And sir, I have registered for ASET full course batch. So when will I receive hard copy and what would it include? Aapne kab register kiya hai? मिस्टर या फिर मिस रस्तोगी चेतनी रस्तोगी आपने रजिस्टर कब किया है इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 7 वर्किंग डेज टू रीच द हार्ड कॉपी ऑफ मटेरियल ओके एंड आपको क्यू फोरम पे पूरा क्लासेस का अपडेट मिल जाएगा जो शेड्यूल वगैरह है आप क्यू फोरम थोड़ा नेविगेट करो और हमने आपको एक ऑनबोर्डिंग का वीडियो भी दिया होगा तो आप वो ऑनबोर्डिंग का वीडियो भी देख लीजिए Sir, I haven't been able to complete more than 50% syllabus of CS2. I have a fear for this September. Please guide. बेटा देखो आपने अगर September attempt के लिए registration करवाया है तो please आप exam दीजिए और अभी भी आपके पास में बहुत time है. CS2 as a curriculum आप चाहो तो आप अगर आज से भी अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपका हो जाएगा. हिम्मत जुटाइए daily 3-4 video करिए. That is the best thing that you can do. एकदम भी worry नहीं करना है. कोई भी चीज का tension नहीं लेना है. आप बस खाली पढ़ते चलो आपका एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाएगा. Yes, Kanak. So I'm from the CS1 batch, but I've not properly started preparing for the paper 2. So usle what is basically our exam. Yes, the R exam. How many hours should I give per day for that paper? Daily 2 hours. Couple of hours will be good. 2 hours. Yeah. Okay. Thank you. So I had one more. Yeah. Yes, yeah. Sure. So actually I had a lot of doubts in the whole CS1 portion only I had a few doubts and also can you but take you need like to attend the live classes for that Saisha
Yeah, I was asking if you can take like a doubt solving session. See, I'll be taking the classes from 12th of August, okay? But currently, on a regular basis, 2 hours of classes are being taken in the night. Mm-hmm. So I feel that you should attend those classes. Why aren't you attending those? Okay, so I'll attend that one. Yeah, okay. Sir, I've decided to give my first paper CS1 in April. As a long sitting, can I give two papers? Yes, Vaishnavi, you can take either CB1 or CB2. It's a good idea. You can take the admission now. Sir, so for CB, may I, sir? Yeah, sure, go on. Sir, may I take classes for CB2 from now or from November? You can take it now because slowly and slowly you can do one lecture every day, and that is how you will complete the syllabus in the next 2 to 4 months. Okay. Sir. Yeah. You told me to defer the September attempt because since I was non-math student, so you told me to defer this attempt. So I have completed half of the portions at like maths, basics, integration, differentiation, and everything. So now, along with CS1 practice, I should start practice of CB2. Yes, CB2. Yes, CB2. Yeah. Because there is not much of mathematics, so you will feel light and you will feel good that you are studying something in which not much of maths is there. Sir, मतलब मैं recorded classes ले सकती हूँ ना सर CB2 के? देखो उसमें क्या होगा ना, आपको 6 महीने का access मिलता है. So if you are confident enough that yes, आप 6 months का recorded lecture से कर लोगे, तो definitely save the money there. बट क्या होता है कि जहाँ आपको लगता है नहीं यार मेरे को तो लाइव क्लास का दरकार है, मेरे को डाउट्स पूछना पड़ेगा, मेरे को मॉक्स का एवैल्यूएशन चाहिए, मैं फेल हो गए तो मेरे को एक्सटेंशन दोबारा से चाहिए होगा, तो उस केस में आप फुल कोर्स लो, ये आपके ऊपर में. ठीक है ना. सर, अभी इस महीने मतलब नेक्स्ट मंथ शैल आई स्टार्ट और दिस मंथ ओनली हैव टू स्टार्ट द सीबीटी प्रैक्टिस? आप अभी से ही चालू कर लोगे तो बेटर रहेगा. हाँ सर. ठीक है, थैंक यू सर. सर रिकॉर्डिंग या लेक्चर कोई भी देखना है क्या डिटेल कॉन्सेप्ट के लिए? हाँ देख लो ऐश्वर्या, जितना लेक्चर्स देखोगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना आप देखोगे उतना बेटर रहेगा. सर CM1 2024 इंस्टीट्यूट मैट डजंट इंक्लूड थ्योरी चैप्टर, सो वी डू. देखो हमने थ्योरी का वीडियो डाला है रिद्धि, आप बस खाली वो देख लो, दैट विल बी सफिशिएंट मेरे को लगता है. बैच वन के वीडियो में आप जाके देखोगे ना, हमने थ्योरी के एक दो वीडियो डाले हैं, तो वो सब आप देख लो, दैट विल बी सफिशिएंट. आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता एग्जाम में. ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो लोग ने कुछ कुछ पोर्शन हटा दिए हैं, बट वो आ जाते हैं कभी कभी 4-5-6 नंबर का, तो वहाँ आप मार्क्स लूज कर लोगे. हार्डली इट विल टेक यू 2 to 3 hours टू गो थ्रू द पोर्शन, ओके, जो हमने वीडियो डाल रखा है जिसका. सर आई विल बी गिविंग. या बोलो सर, यू आर टेलिंग समथिंग हियर, देयर इज नेटवर्क इशू, इट कट सो दैट. नो नो, आई जस्ट टोल्ड दैट यू टेक द क्लास एंड यू स्टार्ट लाइक डेली डू वन वीडियो फॉर CB2. यस सर, थैंक यू सर. यस आयशा. So you told me right now that I can watch the videos for paper B, right? I checked and I couldn't see any classes that were uploaded for the portion like GLM and everything. Last कहाँ तक uploaded है batch one में? Batch one में so I think 28th को एक class हुई थी that उसके पहले recorded lectures नहीं है? नहीं so I'll just check and I'll get it done. Just send me a WhatsApp, I'll just check because हमने बोल दिया था नहीं है, तो I'll just check and I'll let you know, okay? Okay sir. बट आज हो जाएगा डे एंड तक. या जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. So next is Nitigya Agarwal. So I'll be giving CM1 in April. So can you please guide me? What should I be doing this month as the live classes will start from September? Nitigya, आपको paper A का पहला 20 lecture complete करना है और आपको R programming के lectures करने हैं, ठीक है? Sir, I'm giving CM1 from IEI. So should I solve revision notes twice or MCQ? बेटा आप अगर IEI से कर रहे हो, आपको IEI का papers करना पड़ेगा. आपने एक बार revision notes कर लिया, material कर लिया, that is fine. उसके बाद आप मेन फोकस अपना इंडियन इंस्टीट्यूट के पेपर्स पे लगाओ. सर रिसेंटली द सीयूईटी रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड एंड आई गॉट 766 आउट ऑफ 800, सो शुड आई लीव सेंट जेवियर्स एंड जॉइन डीयू इफ गेट अ चांस और स्टे हियर ओनली? बेटा मैं आपको बोलूंगा आप सेंट जेवियर्स कॉलेज में ही पढ़िए, सेट हो चुका है, यहाँ पर हमारा सेंटर भी बगल में है, तो आप कहीं भी बाहर मत जाइए, ठीक है?
यस चेतनी, आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, आपको सारा चीज हमारे तरफ से मिल जाएगा। बाकी आपको ऑनबोर्डिंग का एक वीडियो दिया गया होगा, उसमें पूरा चीज है, और मैं अपना नंबर भी यहाँ पर दे देता हूँ, आप उसमें कॉल करके पूरा चीज समझ भी सकते हैं। जय श्री सर, मैंने अभी स्टार्ट किया है CS1 प्रिपरेशन, तो रिकॉर्डेड क्लासेस में दो बैच है, तो मुझे कंफ्यूजन है कौन सा बैच करूँ, और बैच वन से करिए अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो, क्योंकि बैच टू ऑल इंग्लिश बैच है। सिमरन कौर, सिमरन कौर इज सेइंग गुड मॉर्निंग सर, सर आई हैव टेकन CS1 फॉर नवंबर 2024 अटेम्प्ट, सर कैन यू प्लीज गाइड मी हाउ टू मूव ऑन विद गुड पेस। देखो आपको दिन का दो लेक्चर करना है सिमरन, एक आप करो पेपर ए का और एक आप करो पेपर बी का। इस तरीके से अगर आप रेगुलरली करोगे 3 से 4 घंटे की पढ़ाई, तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, और फिर आप आईआई के पेपर्स कर लेना, ठीक है। रौनक बिहानी, सर आई हैव डाउट रिगार्डिंग CB1 पेपर, आई वांट टू नो वेदर द चैप्टर्स डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व्स, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्टरनेटिव रिपोर्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन CB1 सिलेबस। देखो बेटा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है ना, हमने CMP के अपग्रेड्स डाले हुए हैं, CMP के अपग्रेड्स आपको स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 2022 से 2023 का अपग्रेड पढ़ लो, और 2023 से 2024 का अपग्रेड पढ़ लो, ठीक है। गुनगुन शर्मा, सर इट्स बेटर टू स्कोर अराउंड 70s इन टू पेपर्स और अटेम्प्ट वन पेपर एंड स्कोर हायर मार्क्स। देखो बेटा मैं बताता हूँ, मार्क्स से बहुत कुछ नहीं होता, आपका नॉलेज से होता है, तो अगर आप दो पेपर बैलेंस करके दे सकते हो तो आपको देना चाहिए। बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि मैं 2 साल पढ़ के एक पेपर में 90 ले आऊँ, फिर मैं 2 साल पढ़ के एक पेपर में 90 ले आऊँ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कंसिस्टेंटली पढ़ो, आपका नॉलेज बिल्डअप होगा, ठीक है, और आपका मार्क्स से उतना फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपका 70, 80, 90 लाए, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। एक इनिशियल के लिए फर्क पड़ता है, बट आई होप सो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा आ गया ना, तो आपका नंबर भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना। तो मार्क्स उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है मेरे को जो लगता है। सर रिसेंटली स्टार्टेड विद CM1 प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू गिव इट ऑन नवंबर, सो हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी। दिन का आपको 5 घंटा पढ़ना है, एक दिन में 5 घंटा पढ़ना है आपको CM1 के लिए, एक वीडियो पेपर ए का और एक वीडियो पेपर बी का देखना है आपको एक दिन में मिनिमम। कोई दिन ज्यादा पढ़ने का इच्छा करे तो 2 वीडियो पेपर ए का और 1 वीडियो पेपर बी का, ये रेगुलरली आपको करना है। ताइवान त्रिवेदी, सर आई एम फ्रॉम CM1 बैच 1, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर मॉक सबमिशन। बेटा हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमने डाल दिया, आप वहां से चेक करो। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मूव अहेड विद रिवीजन एंड प्रैक्टिस ऑफ द कंप्लीटेड टॉपिक्स। आप क्या कर सकते हो, आप IFOA का लास्ट 10 टर्म का पेपर कर लो, उसके साथ ही साथ आप पेपर ए और पेपर बी पूरा सॉल्व कर लो, एक्स असाइनमेंट कर लो, वाई असाइनमेंट कर लो, हमारा मॉक पेपर्स दे दो, और आप दोबारा से रिवीजन और सॉल्व कर लो। यही स्ट्रेटेजी है रिवीजन करने का, और आप पेपर बी का भी पूरा रिसोर्सेज खुद से कर सकते हो। सर आई हैव टेकन ACET एंड CM1 कोर्स एंड विल गिव CM1 इन May 25। एट द मोमेंट आई एम नॉट गेटिंग द मोटिवेशन टू स्टडी, प्लीज हेल्प मी आउट, यू टोल्ड मी टू फोकस ऑन पेपर ए ओनली फॉर नाउ। यस पलक, आप अगर कैलकटा से हैं तो आप हमसे मिलने भी आ सकते हैं फॉर मोटिवेशन, लेकिन आप अगर आउट ऑफ कैलकटा से हैं तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दिन का आपको कंसिस्टेंटली 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मोटिवेशन बोल के कुछ नहीं होता, अगर आपको कंटेंट उतना समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरा कोर्स कर लीजिए, बट आपको मोटिवेशन बोल के कुछ नहीं होता, आपको एकदम पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कोर्स चैलेंजिंग है, और आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना हेल्प होगा। आप ये सोचो ना कि जब आप बन जाओगे एक्चुअली, तब फिर क्या होगा, आपको वो जो रेस्पेक्ट है, आपको वो जो पैसा है, आपका वो जो नाम है फैमिली में, आपका लोग सुनेंगे, बिकॉज आपका एक क्रेडिट वर्दीनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा, आपका एक ऑरा एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो आप उस चीज के लिए पढ़ रहे हो। एंड जितना भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल बना है वो लोग सब हार्डवर्क करके ही बना है, तो आपको भी वो हार्डवर्क करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। सर प्लीज टेल मी फर्दर रोड मैप। सृष्टि अग्रवाल, मैं देख लूंगा 28 जुलाई के बाद अगर अपडेट नहीं हुआ है क्लासेस तो। सर प्लीज टेल फर्दर रोड मैप फॉर CS1 IFOA एग्जाम। देखो अगर CS1 IFOA एग्जाम का अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। रात में हमारे रिविजन क्लास हो रहा है जो सिद्धार्थ सर ले रहे हैं, 12 अगस्त के बाद मैं भी लूंगा क्लासेस, तो आप रिविजन करिए और आप पूरा रिविजन नोट दोबारा सॉल्व कीजिए, पूरा इंस्टीट्यूट का मैट का सम्स वगैरह सब सॉल्व कीजिए, ठीक है। Sir, I have taken only the recorded classes for CB1 exam. Can I opt for the full course now to attend live classes? Ronak, इसके लिए आपको अंकित सर से बात करनी पड़ेगी। I don't think so, sir, मानेंगे, but still आप एक बार बात करके देख लो, ठीक है? I want username and password for AIQ forum. Please guide whom to connect. Ojas, आपको मैं नंबर दे देता हूँ ऑफिस का, 8100-598-543, ठीक है? आप इसमें बात कर लो। सर आई हैव प्लान टू राइट इन नवंबर, आई एम कंफर्टेबल विद पेपर ए बट नॉट पेपर बी, व्हाट टू डू। बेटा आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना
अपने आप को बेसिकली मेहनत कर करके कूड़ा कर देंगे उतना ही आप चमकेंगे, तो आपको एकदम पूरा स्क्रैच से पेपर वी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज्यादा टाइम आप स्पेंड करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। विधि सकीदा, सर आई हैव प्लान फॉर सीपी टू एंड सीपी थ्री, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ शुड आई गो विद विधि। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया तो आप ट्रेनिंग ले लीजिए, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको पूरा चीज समझा दिया जाएगा। एंड आपका सैटरडे सैटरडे क्लास होता है सीपी टू और सीपी थ्री का जो शिवांगी मैम लेती है, आपको वो क्लासेस अटेंड करना है। उन सब क्लासेस में मैम पूरा एकदम अच्छे से आपको बताएंगी कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है ना विधि। उसके बाद में तिशा, सर आई रिसेंटली स्टार्टेड विद CM1 प्रिपरेशन एंड आई एम कंफ्यूज्ड हाउ टू वॉच वीडियोज एंड आई विल बी गिविंग CM1 का। देखो बहुत सिंपल है, आपको पेपर ए का पहले 20 लेक्चर एकदम पूरा अच्छे से करना है और एक्सेल का बेसिक्स करना है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट मीटिंग होगा उसमें मैं आपको आगे के लिए गाइड कर दूंगा। सर CM1 सितंबर 24 आई एम नॉट कंप्लीटेड सॉल्विंग ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मैट, सेम गोज विद MCQ। आई गेस इंस्टीट्यूट मैट इज बेटर एंड MCQ भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही बराबर है। और पेपर भी रिवाइज करने के लिए आपको सारा असाइनमेंट्स करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स के साथ साथ आपको वाई असाइनमेंट करना पड़ेगा और पास पेपर्स भी करना पड़ेगा। सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CM1 नवंबर, विच अदर पेपर शुड आई गिव विद CM1? आप CB1 कर लो नंदनी, बेस्ट रहेगा, ठीक है। सर रिवीजन नोट में कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व भी नहीं होते हैं वो स्किप कर सकते हैं? नहीं, वो स्किप नहीं करना है, सिद्धार्थ सर से आपको उसके डाउट्स पूछने हैं, ठीक है। सर व्हाट सेक्शंस डू आई नीड टू फोकस ऑन फॉर CB2 IFOA? CB2 IFOA देखो ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, इसको गेम नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल मैम के जो नोट्स है उसको एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, मैम के सारे क्लासेस कर लीजिए और पास पेपर्स कर लीजिए पलक, सो दैट विल बी सफिशियंट। सर वी डोंट हैव अ ग्रुप फॉर एसेट, सो कैन यू प्लीज मेक अ ग्रुप फॉर एसेट? नो पलक, ग्रुप नहीं बनाना है एसेट का, क्योंकि जो भी आपको करना है सब क्यू फोरम से करना है, क्यू फोरम पे सारे के सारे अपडेट आ जाएंगे। आपको बस खाली दिन में 4 से 5 बार क्यू फोरम बनाना है, क्यू फोरम बेसिकली चेक करना है, आपको लॉगिन करना है, आप बुकमार्क कर लो, आप एक बार क्लिक करोगे लॉगिन हो जाएगा, चेक करना है, आपको जो भी अपडेट होगा सब क्यू फोरम पे ही आएगा, क्योंकि ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है। और आप कम्युनिटी हमारा ज्वाइन कर लो तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आना पड़ेगा अर्जेंट बेसिस में वो आपका कम्युनिटी पे आ जाएगा, तो कम्युनिटी को स्टार करके रखो। इज इट ओके ऑल ऑफ यू? थैंक यू, आई होप सो। मैंने बहुत सारे क्वेरीज आज लिए हैं, डेफिनेटली हम लोग और भी सेशंस प्लान करेंगे, ठीक है ना। और इस संडे को हम लोग एक स्पेशल सेशन रख रहे हैं विद आरुषि मोदी, शी इज करेंटली इन लंडन एंड उसने एक्चुअली और FRM दोनों ही किए हैं हमसे। सो बेसिकली वी विल बी बेसिकली कंडक्टिंग दैट सेशन दिस संडे एट 4 PM, तो आप लोग सब वो सेशन अटेंड कीजिएगा, जो डिटेल्स है वो हम लोग कम्युनिटी में डाल देंगे। सर डाउट क्लियरेंस सेशन कब होगा? माही अग्रवाल, आप अगर ढंग से देखेंगे तो आपका डेली डाउट सेशन हो रहा है, रात में हो रहा है, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ले रहे हैं, आपको उन्हीं से अपने डाउट्स को क्लियर करना है, ठीक है। सर CM1A, डू आई हैव टू प्रैक्टिस थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यस, आपको सॉल्व करना है। सर हाउ टू प्रोसीड फर्दर आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर्स? महक गोयल, आपको जितना हो सके पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना है, आप मॉक दीजिए एंड आप एक्स और वाई असाइनमेंट को भी पूरा सॉल्व कर लीजिए, और जो भी सारा रिवीजन नोट है, पेपर बी के असाइनमेंट्स है और पेपर ए के जो इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चंस है उसको भी दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप सो द सेशन वॉज इनसाइटफुल एंड वील कीप मोर सच सेशंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।